हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रालय वाले भैया। आज का आपका ये जो वीडियो है, ये जो आपका डिक्टेशन है, ये अप्रॉक्स 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। और ये डिक्टेशन एक टफ डिक्टेशन माना जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नए शब्द हैं और आपका जो रियल एग्ज़ाम है उसमें इस तरीके का डिक्टेशन आने की उम्मीद कम है। ये सिर्फ एक चैलेंज की तरह है कि अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है तो आप इस तरीके की डिक्टेशन भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नए तरीके के शब्द आएँ, सिर्फ उस लिए है। ठीक है, इसको लिखने के बाद प्रेशर मत फील करिएगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तभी आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, जो स्पीड है वो 90 शब्द प्रति मिनट के आसपास रहेगी और ट्रांसक्राइब करें अगर आपको लगता है। हालांकि इतना टफ मैटर आएगा नहीं आपका, लेकिन ठीक है, आप अपने आप को चैलेंज करने की दृष्टि से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो डिक्टेशन है वो स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। नदियों के देश के तौर पर भारत की प्रसिद्धि तथा एक बड़ा स्वच्छ जल रिजर्व होने के बावजूद एक देश समाज समुदाय के तौर पर हमने जिस प्राकृतिक संसाधन की सर्वाधिक अवहेलना की है वह जल ही है। इसी अवहेलना का दुष्परिणाम है कि सर्वाधिक प्रजातीय विविधता समेकन करने वाला राष्ट्र जल संकट का साक्षी है। इस जल संकट के कारण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तो हैं ही, परंतु ज्यादा बड़ा मुद्दा इसके कुप्रबंधन का है। भूजल का अविवेकपूर्ण दोहन, झीलों नदियों तथा झरनों का सूखना, वन क्षेत्र की कमी, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन से मानसून चक्र तथा वर्षा पैटर्न का गड़बड़ाना, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां तथा सिंचित क्षेत्र और सब्सिडी की राजनीति में वृद्धि आदि कारक जल संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। ध्यातव्य है कि देश में पानी की अधिकांश खपत गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों में होती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी किसान पानी की अधिक जरूरत वाली फसलें उगा रहे हैं क्योंकि इनके लिए सरकारी खरीद या निजी खरीद के रूप में एक भरोसेमंद बाजार है। इसके अलावा लोक लुभावनी राजनीति के कारण ही किसानों को सस्ती सब्सिडी युक्त बिजली प्राप्त होती है जो उन्हें जल के अतिदोहन में सक्षम बनाती है। इसके अलावा भूमि के मालिक को जल का भी मालिकाना हक दिए जाने का कानून बोरवेल प्रौद्योगिकी से अंधाधुंध दोहन, भूजल की रिचार्जिंग पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाना, राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, गलत प्राथमिकताएं तथा जनता की उदासीनता आदि भी जल संकट के प्रमुख कारण हैं। जल संकट अपने प्रभाव में अति विस्तृत सीमा धारण करता है। यह दैनिक जीवन की क्रियाओं को प्रभावित करने से लेकर संपूर्ण सभ्यता के विनाश के कारण के रूप तक में स्थापित हो सकता है। आज जल से संबंधित बीमारियों की वजह से प्रत्येक 2 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। वर्ष 2017 में जल संकट ने 45 देशों के मध्य संघर्ष के एक कारक के रूप में भूमिका निभाई थी, विशेषतः उत्तरी अफ्रीका व मध्य पूर्व में। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन, ब्राजील के शहर साओ पाउलो तथा स्पेन के बार्सिलोना शहर में डे जीरो जैसी समस्या उत्पन्न
हो गई है तथा बंगलुरु भी इस स्थिति के कगार पर है। ध्यातव्य है, डे जीरो एक ऐसी स्थिति है जब किसी क्षेत्र में नल सूखने लगते हैं। निम्न जल स्तर के प्रभावों पर दृष्टि डालें तो इसके कारण घरेलू जल आपूर्ति, सिंचाई संबंधी जल आवश्यकता, नदी परिवहन तथा सघन जनसंख्या वाले उत्तर मैदानी भाग की पारिस्थितिकी प्रभावित होगी। साथ ही खाद्य असुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव, भूमिगत जल संदूषण तथा इनडेंजर्ड गंगा डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का संकट में आना आदि जल संकट के ऐसे प्रभाव हैं जिनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। पानी की सुलभता का अभाव परिवारों तथा समुदायों को गरीबी और गुणवत्ता विहीन जीवन यापन की ओर अग्रसर करता है। इसका ज्यादा प्रभाव संवेदनशील वर्ग, विशेषकर बच्चों व महिलाओं पर पड़ता है, जहाँ एक ओर यह बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति को कमजोर करता है, वहीं दूसरी ओर बच्चे की स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ती है। महिलाएं भी प्रायः प्रत्येक दिन अपने समय के बड़े हिस्से अपने परिवार के लिए पानी ढोती हैं। साथ ही विकलांगता, आयु, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सामाजिक स्थिति भी जल तक पहुंच प्राप्त करने में विभेदित स्थिति उत्पन्न करती है। क्योंकि पृथ्वी पर स्वच्छ अलवणित जल की मात्रा निश्चित एवं सीमित है, अतः जल संकट के समाधान का प्रमुख उपाय जल प्रबंधन से ही निकलेगा। जितनी बेहतर तरीके से हम अपनी आदतों में जल संरक्षण की पद्धतियों को अपनाएंगे, वर्षा जल संरक्षण करेंगे तथा वातावरण व पर्यावरण को जल स्वच्छता व संरक्षण के अनुकूल बनाएंगे, पृथ्वी को उतनी ही बेहतर बना पाएंगे। आर्थिक समृद्धि तथा विकास की दर भी बहुत हद तक जल की उपलब्धता से ज्यादा उसके प्रयोग करने के तरीके पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 25 सेमी औसत वर्षा वाले देश इजराइल ने बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से अपनी विकास दर को बेहतर किया है। इसी तरह हमारे देश की औसत वर्षा से 6 गुना कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी अमेरिका विश्व के समृद्धशाली देशों में शुमार किया जाता है। अतः हमें जल निष्कर्षण को सीमित कर तथा जल संसाधनों को संरक्षित और समृद्ध बनाकर नदी धाराओं का मार्ग परिवर्तन तथा जलाशयों का निर्माण कर वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान चलाकर तथा खाद्यान्न उत्पादन या कृषि में जल उपयोग संबंधी अनुकूल विकल्पों को क्रियान्वित कर जल संरक्षण को सुगम व संवहनी बनाना चाहिए, जिससे कि जल जैसे अमूल्य साधन को बचाकर मानव प्रजाति का कल भी सुंदर बनाया जा सके। अगर जल संरक्षण के कुछ व्यावहारिक समाधानों की बात करें तो दैनिक क्रियाकलापों में मितव्ययी तरीके से जल का प्रयोग, मसलन सब्जियों को धोने के बाद बचे हुए पानी का इस्तेमाल, बागवानी के लिए तथा फर्श की सफाई के लिए आरओ के बेकार पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।